बड़े आई एम सारिम खान एंड आज फिर से वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन दे दिया था अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज कि कैसे चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं तब कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड उनकी जो मोशन की प्रॉपर्टीज होती है वहां पे ऑब्वियसली एक काइंड की फील्ड क्रिएट होती है विच ऑब्वियसली यू लर्न लेटर ऑन, जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। यहाँ से मैग्नेटिक फोर्सेस जैसे कुछ फोर्सेस प्रोड्यूस होती है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं एनालाइज किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन से टाइप के फोर्सेस एनालाइज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जिन्हें कूलम्ब फोर्सेस भी कहा जाता है, दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिन्हें चार्जेस कहते हैं, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड टोटल चार्ज जीरो भी हो सकता है, एंड इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर टाइम्स में एलिमेंट्री चार्ज 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग देख लें तो चार्जेस हमेशा कंजर्वड होते हैं, सो दिस इज व्हाट मच वी हैव ऑलरेडी लर्न। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं अबाउट द इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस, कैसे एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली इंटरैक्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, कैसे चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो चार्जेस होते हैं, अगर आप पॉजिटिव चार्ज देखते हो तो ये आते हैं प्रोटॉन्स से, अगर आप नेगेटिव चार्ज देखते हो तो ये आते हैं इलेक्ट्रॉन्स से। इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या चार्ज होता है, नेगेटिव ई, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव ई, मतलब नेगेटिव 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड उतने ही अमाउंट का प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है हर एक प्रोटॉन के पास। तो अगर आपके पास 10 प्रोटॉन्स हैं, सो इट इज 10 टाइम्स दिस नंबर, दैट इज 10 ई, एंड 10 टाइम्स ये 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो दिस इज व्हाट वी नो। अब यहाँ पे अगर आप एटमिक मॉडल देखते हो, एटलीस्ट जो क्लासिकल मॉडल होता है, मॉडर्न में तो लाइक इट इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, क्लासिकल मॉडल विल वर्क वेरी नाइसली हियर। यहाँ पे सेंटर पे आपके पास न्यूक्लियस है, जिसमें ऑब्वियसली न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सॉरी प्रोटॉन्स है, एंड इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं इन दीज ऑर्बिटल्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, दिस इज समथिंग लाइक द सिंपलिस्टिक हाइड्रोजन एटम का ले लो। यहाँ पे मैंने ले लिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक यहाँ पे प्रोटॉन ले लो, हियर इज अ प्रोटॉन जिसके पास पॉजिटिव ई चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव ई अमाउंट का चार्ज है। तो अगर आप देखते हो कि ये जो प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है ना, यहाँ पे एक काइंड की फोर्स होती है जिसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं, जो कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को सेंटर पे एट द न्यूक्लियस बांधे रहता है, एंड दैट इज द रीजन अगर आप चाहो भी तो प्रोटॉन्स को एक एटम से सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इज वेरी डिफिकल्ट टास्क कि आप एक प्रोटॉन को एक एटम से निकाल सकते हो। तो ऐसा बस लैबोरेटरीज में यू कैन सी हैपनिंग। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन होता है, वी नो कि अगर आपने ऑलरेडी इतना पढ़ा है सो इट विल बी ईजी, अदरवाइज आई एम ऑल्सो टेलिंग यू, अगर ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, मैंने इसे एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया इस सेकेंड ऑर्बिट में, ऐसे चला जाएगा। यू हैव टू सी इट कि जैसे आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते जाओगे, वह इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में जाता रहता है, एंड इफ यू प्रोवाइड सफिशियंट एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर भी निकल सकता है। दिस इज वॉट यू हैव टू सी कि आप एक इलेक्ट्रॉन को एटम से बहुत ईजिली बाहर निकाल सकते हो, एंड इट ऑल्सो हैपन्स इन एवरी डे लाइफ। यहाँ पे मैंने एनर्जी समहाउ से एक्सप्लेन किया, मैं आपको सीधे सीधे फ्रिक्शन से बता देता हूँ कैसे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मैटर से बाहर निकलते हैं, एंड इट इज वेरी इजी प्रोसेस एंड बहुत मजा आता है इसे स्टडी करने में। समथिंग लाइक दिस आपने ये तो यूजली ट्राई किया ही होगा कि अगर आप लेट्स से एक कॉम्ब लेते हो या फिर एक प्लास्टिक स्केल, ऐसा कोई भी प्लास्टिक का मटेरियल, एंड उससे अपने हेयर से रब करते हो, एंड उसके बाद इफ यू ब्रिंग इट क्लोज टू बिट्स ऑफ पेपर, छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर, यू विल सी देम गेटिंग अट्रैक्टेड। ये छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर उस स्केल में प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक रॉड और इफ यू कंसिडर अ कॉम्ब से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है, इफ यू लुक एट इट कि यहाँ पे जब भी आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हो, आपको पता है बहुत ही छोटे स्केल पे, ये माइक्रोस्कोपिक स्केल पे, एटमिक स्केल पे, दिस इज द फिगर। अगर स्मूथ से स्मूथ ऑब्जेक्ट लो, कुछ ऐसे दिखते हैं एट एटमिक स्केल, रफ होते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली रब करने पे फ्रिक्शन आती है, दैट इज फ्रिक्शन जिससे आप रब कर रहे हो, फ्रिक्शन है तो यहाँ पे हीट, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स गोइंग ऑन इन हियर। यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी जब रब करते हो, सबको पता है। What actually happens is कि जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हो
तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जब फ्रिक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। मैंने बताया कि प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इजिली ट्रांसफर हो जाते हैं व्हेन यू आर डूइंग इट बाय रबिंग बाय फ्रिक्शन। मान लो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे माइनस ई इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें चला गया, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। यहाँ पे दो तीन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, मान लो एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो आप देखोगे प्रोटॉन्स तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस में बने हैं। सो व्हाट विल एक्चुअली हैपन, इनिशियली इस मैटर में एक इक्वल बैलेंस ऑफ चार्जेस था, मतलब अगर पॉजिटिव एन ई पॉजिटिव एन टाइम्स ई, ऑब्वियसली इसमें अगर आप पॉजिटिव चार्ज देखते हो तो उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होगा, तब ये कैंसिल हो जाते हैं। एंड ऐसे ही इस पीस ऑफ मैटर में भी हो रहा था, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इससे इसमें चला गया, अब आप देखो कि इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, प्लस वन इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन कम है व्हेन यू आर रबिंग इट। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो ऑब्वियसली प्रोटॉन की नंबर इलेक्ट्रॉन की नंबर से वन ग्रेटर है, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बन गया। यहाँ पे देखोगे अब इलेक्ट्रॉन्स की नंबर प्रोटॉन्स के नंबर से ज्यादा है, यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। बट वॉट यू हैव टू फोकस कि अगर आप इस टोटल चार्ज को अभी भी ऐड करते हो, पहले ये अनचार्ज बॉडी थी क्योंकि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में इन ईच ऑफ देम इक्वल थे, तो टोटल चार्ज कैंसिल हो रहा है। फाइनली देखोगे टोटल सिस्टम में क्या होगा कि टोटल चार्ज पूरे सिस्टम में देखोगे टोटल चार्ज अभी भी जीरो है। एंड यू हैव टू सी, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमें मिलता है जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी हमेशा कांस्टेंट होगी, पूरे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। अब अगर आप कुछ ऐसा केस देख रहे हो जहां पे कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करें, जैसे फ्रिक्शन या फिर ड्रैग फोर्स, तब इंटरनल फोर्सेस को अगर आप अपने इक्वेशंस में कंसिडर करते हो, तब वहां पे आपको फाइनली मिलेगा फ्रिक्शन के साथ साथ भी आपको मिल सकती है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि यहां से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुआ, तो इसमें बेसिकली क्या हो गया, एक नेगेटिव ई अमाउंट का चार्ज क्रिएट हो गया, इसमें एक पॉजिटिव ई अमाउंट का चार्ज क्रिएट हो गया। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि दोनों को ऐड करके टोटल चार्ज अभी भी जीरो है, मतलब टोटल चार्ज कंजर्व्ड है, टोटल चार्ज एक्चुअल में कंजर्व्ड है। अगर ऑलरेडी कोई चार्ज है विच इज नॉन जीरो, तब भी कोई भी ट्रांसफर करके बाय रबिंग बाय फ्रिक्शन या फिर दूसरा कोई भी प्रोसेस, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, कॉन्स्टेंट होता है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके अलावा हमें यहाँ पे क्या समझना है, किस मटेरियल से किस मटेरियल तक चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, सो दैट यू कैन गेट इन चार्ट्स एंड टेबल्स ऑन इन योर बुक्स। हियर वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स, द फंडामेंटल्स बिहाइंड। एक ये हम लोगों ने लॉ पढ़ लिया विच इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर यू कैन सी, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअल में ऑल्दो ये ऑब्जेक्ट्स इनिशियली न्यूट्रल थे, चार्जेस क्रिएट कर दिए, तो अब मैं इन्हें एज पॉइंट चार्जेस मान लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट मासेस पढ़ा है कैसे वो ग्रेविटेशनली इंटरैक्ट करते हैं, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पॉइंट चार्जेस पढ़ते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्रिएट कर दिया एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज, एंड देन द थियरी कम्स कि कभी भी आपके पास चार्जेस हैं वो हमेशा एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं। जैसे मैंने ये कॉम वाला केस बताया कैसे वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्यों अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज इट्स बीन चार्ज्ड। यहाँ पे ऑल्दो आपने पेपर्स को तो चार्ज नहीं किया, लेकिन उसे भी इससे एक्सप्लेन किया जाता है एज वी विल ट्राई टू स्टडी फर्दर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपके पास यूनिवर्स में नेचर में दो चार्जेस है, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये कैसे अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ प्रिंसिपल जिसे कूलम्ब फोर्स कहा जाता है या फिर कूलम्ब लॉ कहा जाता है। एंड लेट्स स्टडी अबाउट इट। मान लो इस चार्ज को मैंने बोल दिया दिस इज अ चार्ज Q1, इसे मैंने बोल दिया Q2, एंड मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी, फॉर नाउ इट डजंट मैटर, वो डायरेक्शन में मैटर करता है। मैंने बोल दिया कि इनका जो सेंटर टू सेंटर, रिमेंबर सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है, ये R हो गया। अगर सेंटर टू सेंटर सेपरेशन R है तो कूलम्ब ने डिस्कवर किया था बाय हिज एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स, रिमेंबर ये एक्सपेरिमेंटली ड्राइव किया गया था,
कि जो फोर्स इन दोनों के बीच अराइज होती है ड्यू टू द चार्जेस, एंड ये एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है। ये पहली बात, इसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होता है ड्यू टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। अगर ये Q1 है वो Q2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल F का मैग्नीट्यूड होगा, एंड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस R है, सो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। अब ये तो फॉर्म हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, ये कहां पे देखा था? दिस इज समथिंग लाइक F प्रोपोर्शनल टू M1 M2, F प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, एंड वहां से क्या मिला था? ये फॉर्म हम लोगों ने देखा है F इक्वल्स जी M1 M2 बाय R स्क्वायर। ये न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। न्यूटन ने बताया था कि कोई भी आपके पास मासेस हैं, वो एक दूसरे को ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब एक डिफरेंस आपको मिलेगा, ये जो फोर्स होती है ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस हमेशा अट्रैक्शन होता है, वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करेंगे। Why? You have to look over here, क्योंकि Q1, Q2 negative भी हो सकते, positive भी हो सकते, and we'll also look at the vector form, बहुत easy चीज़ है। तो obviously जैसे हम लोगों ने ये दे दिया, हमें ये भी पता है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक constant of proportionality लिख के I can relate all of them। इस constant of proportionality को लिखा जाता है 1/4πε0, एंड फिर हो गया हमारा Q1 Q2 by R square। सच ए सिंपल लॉ। अगर आप यहाँ पे बेसिकली देखते हो, मैंने कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एक बहुत ही स्ट्रेंज काइंड का नंबर लिखा है, विच इज 1/4πε0। अब ये 1/4πε0 है क्या? जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल जी देखा था, ऑब्वियसली कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एंड यू हैव टू लर्न दैट। यहाँ पे कैपिटल जी एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसे इस 1/4πε0 को लिखा जाता है। इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, 9 टाइम्स में 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जैसे यहाँ पे पर किलोग्राम स्क्वायर था, यहाँ पे पर कूलम स्क्वायर हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे वी हैड मास इन किलोग्राम्स, यहाँ पे वी हैव चार्ज इन कूलम्स। तो अब ये जो 1/4πε0, इसे सीधे ऐसे क्यों नहीं लिख देते? इसे सीधे ऐसे इसलिए नहीं लिख देते, वेल देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ऐसा इसे हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से लिखा जाता है। देयर आर मेनी थिंग्स इन फिजिक्स जो कि हिस्ट्री से कनेक्टेड होती है, सो यू हैव टू लर्न इट कि हिस्टोरिकल रीजन की वजह से इसे ऐसा लिखा जाता है। एंड द अनदर थिंग दैट यू हैव टू फोकस ओवर हियर कि ये इन वैक्यूम है। जब वैक्यूम में आपने चार्जेस को रखा है, तब ये अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन आती है बिटवीन द चार्जेस। अगर एयर में रख दिया या फिर किसी दूसरे मटेरियल या फिर किसी दूसरे मीडियम लाइक वाटर में रख दिया, तो वहां पे आपको एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है, विच इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड सो हियर विल हैव टू राइट दैट कांस्टेंट। तो जनरली वैक्यूम के लिए ये 1 होता है, तो अभी के लिए हम लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने यही लिख दिया। तो ये तो 9 × 10⁹ हो गया, हियर इज ε0 8.85 × 10⁻¹2 यूनिट्स, तो यहाँ से इजिली मिल ही जाएंगे। तो उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ, ये मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे वैलिड होता है, मतलब अगर पॉजिटिव, यहाँ पे एक्चुअल में पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होता है, एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ, कैसे होता है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड थर्ड लॉ वैलिड है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को जिस अमाउंट से अट्रैक्ट करता है उतना ही नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, यू हैव टू सी। तो ये तो हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड देख लिया। कूलम्ब लॉ को कैसे वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं, वी कैन ऑल्सो लर्न दैट, एंड इन अ वेरी सिंपल मैनर, कि अगर मैंने ले लिया कि जो फोर्स, ये अगर मैंने मान लिया एक चार्ज ए है, ये बी है, या फिर ए और बी से बेटर है कि हम लोगों ने 1 और 2 ले लिया, द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 में कैसे लिखूंगा? इट इज अगेन 1/4πε0 Q1 Q2 इतना लिख दिया ओवर R स्क्वायर लिख दिया। अगर यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट चार्ज Q1 है, आप एक पॉइंट चार्ज Q2 है, एंड इट नीड नॉट बी कि दोनों हॉरिजॉन्टल के लाइन के अलोंग लाई करें, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, डजंट मैटर। बस आपको क्या देखना है, एक यूनिट वेक्टर देखना है। ये अगर मैंने एक लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस बना दिया, तो यहाँ पे मुझे एक यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन चाहिए फ्रॉम 1 to 2, एंड बस अगर मुझे यूनिट वेक्टर मिल गया, द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये मैग्नीट्यूड होगा, एंड फिर एक यूनिट वेक्टर कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 ड्यू टू 2,
तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, आई हैव रिटन हियर ऑन टू ड्यू टू वन, एंड ये जो यूनिट वेक्टर फ्रॉम वन ड्यू टू टू, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है जब इसे वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं, बट ट्रस्ट मी, बस अगर आपको ये वैल्यू समझ आ गए तो हियर यू कैन गेट दिस यूनिट वेक्टर। इसी अमाउंट का नेगेटिव, मतलब नेगेटिव यूनिट वेक्टर वाला विल बी द फोर्स। अब अगर यहाँ पे आप इस नोटेशन से देखो, आपको एग्जैक्टली समझ आएगा। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, अगर मैंने Q1 एंड Q2 दोनों पॉजिटिव ले लिया, सिर्फ इसी इक्वेशन से पता चल जाता है। दैट इज व्हाई आई डिडंट टेल यू ऑलरेडी कि कैसे ये, अगर दोनों चार्जेस लाइक हैं या फिर अनलाइक है, किस डायरेक्शन में फोर्स होती है। आपको सिर्फ इस इक्वेशन से पता चल जाएगा कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तब फोर्स रिपल्सिव होती है, क्योंकि तब इस पे फोर्स यहाँ पे लगती है, इस पे फोर्स यहाँ पे लगती है, तो यहाँ पे फोर्स रिपल्सिव हो गए। अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तब भी ये वही वैल्यू होगी, मतलब तब भी फोर्स रिपल्सिव है। फोर्स अट्रैक्टिव कब होगी? अगर एक चार्ज नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो अगर Q1 नेगेटिव है Q2 पॉजिटिव है, या फिर Q2 नेगेटिव है Q1 पॉजिटिव है, तब इस केस में फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस नहीं, डायरेक्टली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिस भी फोर्स के लिए लिखो, तब ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तब यहाँ पे अगर आप कंसिडर करते हो, जब भी आपके पास लाइक चार्जेस हैं, दैट इज ये जो चार्जेस होंगे इनका रिजल्ट एक पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। जैसे इस इक्वेशन से देखोगे, लाइक चार्जेस के लिए फोर्स हमेशा रिपल्सिव होती है, एक दूसरे के दूर जाते हैं। अनलाइक चार्जेस के लिए फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, दे ऑलवेज कम क्लोज टू ईच अदर। दैट इज वॉट यू हैव टू लर्न हियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसे यहाँ से, इस रिजल्ट से भी डिराइव किया जा सकता है, लेकिन वट आई वुड से कि उससे बेटर है आप बस कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में सीखो, एंड डायरेक्शन कैसे निकाल लो, बस बाय द साइन ऑफ चार्जेस, लाइक है तो रिपल्शन, अनलाइक है तो अट्रैक्शन। दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट कूलम्स लॉ, एंड दैट वाज माय टुडेज वीडियो ओवर दिस टॉपिक ऑफ कूलम्स लॉ, एंड होप यू ऑल अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो, एंड विल अगेन बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज। हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, विल बी लुकिंग एट मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।